थ्री। और बताइए सी सी टू टू सी क्या? टू सी टू सी टू सी सर सी 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 टू। हाँ सी वन हाँ सी वन सी टू। और बताइए हो गया पार्ट टू में बताइए। सर ए वन ए वन और B3 बी थ्री। हाँ ए वन हो गया बी थ्री हो गया और बस इतना ही है। पार्ट थ्री में बताइए। सर, पार्ट टू में C2। पार्ट टू में सी टू। हाँ पार्ट टू में और भी है क्या? पार्ट थ्री में बताइए। क्वेश्चन सर वन नंबर वन हो गया और बताइए बस। चलो ये करते हैं पहले फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। सर पार्ट थ्री का टू पार्ट थ्री का टू ही बताना है ठीक है। चलिए भाई 8-2। क्या कह रहा देखो 8-2 में। इन द गिवन डायग्राम फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस ऑन ईच ब्लॉक एंड ऑन द ग्राउंड। अज्यूम ऑल सरफेस आर रफ एंड ऑल वेलोसिटीज आर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसमें क्या है देखो आप क्वेश्चन में क्या बोला था। रिलेटिव वेलोसिटी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ देखो मैं ए और बी का ले लेता हूँ या पहले ई डी का ले लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ई किधर है देखो यहाँ 2i कैप है। वेलोसिटी ऑफ डी किधर है ये 1i कैप है मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी देखो तो जिसके रेस्पेक्ट में जाते हैं उसको रोक देते हैं। तो वी ई कितना है यहाँ 2i कैप माइनस i कैप कितना आ गया आई कैप मीटर पर सेकंड आ गया। इसका मतलब ई की वेलोसिटी जो है इस डी के रेस्पेक्ट में किधर है आगे की तरफ है। यानी वेलोसिटी ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू डी इधर है कितना है 1 मीटर पर सेकंड है। ये तो रेस्ट पर ही आ गया डी। तो यही बाकी में भी करना है। इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे कौन सा है काइनेटिक इसको किधर लग रहा है आगे बस आ गया। और क्या करना था इसको इतना ही करना था। इसको पीछे लग रहा है ई को डी को आगे लग रहा है बाकी का भी चेक कर लो ऐसे ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट है यही बताना था। डायरेक्शन बतानी बस वहाँ और क्या है ना हो जाएगा बाकी का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है A5। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द डायरेक्शन नेचर ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक। अब वेलोसिटी दिया हुआ है तो वेलोसिटी किधर है बोला था नीचे की तरफ दिया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्योंकि इंक्लाइन प्लेन तो किधर लिख लो पहले इसको लिख लो। सर सर A3 वाला भी बताइए ना। A3 बता देते हैं। ये लिख लिए द व्हील शोन इन द फिगर इज फिक्स्ड
एट ओ एंड इज इन कॉन्टेक्ट विद द रफ सरफेस इज शोन. द व्हील रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. ये पॉइंट ओके अबाउट, ये क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है. तो आप खुद ही जानते हो कि अगर मान लो यहाँ देखो आप इस पॉइंट पर जाओगे, इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या होगी, इधर जाने की होगी ना. आप इस पॉइंट पे जाओगे तो इसकी जाने की टेंडेंसी इधर होगी ना. भाई आप तो साइकिल तो चलाते हो, इतना तो आइडिया सबको रहता ही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इधर होगी, है ना. तो आप यहाँ देखो ग्राउंड पे ये पॉइंट क्या है, तो रेस्ट पर है ग्राउंड का वाला पॉइंट. तो आप देख रहे हो कि इसकी जाने की टेंडेंसी इधर की तरफ है, इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर होगी. इसको फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि नीचे वाला पॉइंट जो है उसकी तो वेलोसिटी जीरो ही है. इसकी वेलोसिटी जो है कि वी ए उधर की तरफ है, और ये जो पॉइंट है यहाँ ए डैश वी डैश वेलोसिटी क्या है, यहाँ जीरो है. तो रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, पीछे की तरफ. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा. फ्रिक्शन कौन सा है, काइनेटिक है. डायरेक्शन क्या है, राइट पर, मतलब इधर है राइट साइड में, ठीक है. ऐसे करना, लिख लो भाई इसको. लिख लिया? हाँ सर, लिख लिया. नेक्स्ट हमारे पास में ए फाइव. अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन नेचर ऑफ द फ्रिक्शन. यहाँ देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, और जानना किधर जा रहा है भाई, जा किधर रहा है. वेलोसिटी तो इधर ही है, कितनी बार समझाएंगे. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उधर ही तो बॉडी मूव करती है, भला उस पर फोर्स लगा रखा है तो क्या हो, वेलोसिटी तो है. तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या करेगा, या अपोज करेगा, कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि इसकी तो वेलोसिटी इधर की तरफ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो रिलेटिव वेलोसिटी को क्या करता है, फ्रिक्शन अपोज करता है. तो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है तो कौन सा फ्रिक्शन अपोज करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोज करता है. आंसर क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन. तो जो पढ़ाया जाता है उसको भी पढ़ा करो, रिवाइज किया करो, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में थोड़ी आएगा फिर. A block is shot with an initial velocity. A block is shot with an initial velocity 5 meter per second on a horizontal plane. एक ब्लॉक को हमने वेलोसिटी किधर की तरफ दिया, राइट साइड में दे दिया. मान लो ये रफ सरफेस है, कितनी वेलोसिटी दिया, 5 मीटर पर सेकंड दिया है. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक टिल इट कम्स टू रेस्ट. द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन इज, यानी म्यू के दिया भाई, तो देना ही चाहिए. क्यों, क्योंकि इसको वेलोसिटी दिया तो स्लाइड करता हुआ जा रहा, तो आपको भी मालूम है कुछ टाइम बाद ब्लॉक रुक जाएगा ना. ये तो हम जानते ही हैं, घर में कोई चीज को फेंक के देख लो यार, इतना कॉमन सेंस भी लगाना होता है, मालूम है. ऐसा नहीं कि फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, कॉमन सेंस भी लगाना होता है. ये क्वेश्चन करवाए हैं सब, रिवाइज करो भाई, रिवाइज बार बार रिवाइज करो चीजों को, बार बार वीडियो लेक्चर्स को देखो, तब जाके चीजें क्लियर होगी, वरना जहां हो वहीं के वहीं खड़े रहोगे, कुछ नहीं हाथ लगने वाला. हरिवचन में मैं जो कह रहा हूँ इन वर्ड्स को याद रखिएगा, मेहनत नहीं करोगे कुछ हाथ नहीं लगने वाला. और जहाँ खड़े थे ना आप, जहां से जैसे आपने स्टार्ट करी थी कहानी, आप वहीं खड़े मिलोगे वापस से 2 साल बाद. इसलिए ऐसा मत करिए. तो ये जाके यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी. तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम देखते हैं यार, कोई भी चीज को फेंको आप देखो रुक जाती. क्यों रुक रहे, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है ना. तो पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक, क्योंकि स्लाइड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा एफ के. इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, डाउनवर्ड क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है. एफ के की वैल्यू अपने को मालूम है क्या होता है, एफ के इंटू एन होता है, या एन की वैल्यू क्या है, एम जी है.
इक्वल टू एम जी हो जाएगा, है ना, इनटू इनटू म्यू के, एम जी इनटू म्यू के, तो जाएगा म्यू के इनटू एम जी। अब आप देखो फ्रिक्शन यानी फोर्स पीछे लग रहा है, इसका मतलब इसका रिटार्डेशन जो है वो ए है, इसको क्या लिखोगे आप, एम ए लिखोगे, एम से एम कट गया, एफ इक्वल टू एम ए भी तो लगाएंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो गया, म्यू के इनटू जी, म्यू के 0.1 है, जी की वैल्यू 10 है, तो कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी रिटार्डेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो डिस्टेंस नहीं बता सकता मैं, मान लेते हैं डिस्टेंस डी है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा देंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितना है 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एस, एस की जगह क्या लिया हुआ मैंने, यहाँ डी लिया हुआ है, तो डी इक्वल टू कितना होगा 25/2 यानी 12.5 मीटर, यही आंसर है, ऐसे करना था। नेक्स्ट हमारे पास में B1, लिख लो भाई इसको, नहीं तो फिर कहोगे सर लिखने नहीं देते हैं, भले नोट्स मिलते हैं पर भाई ना खुद को तो पढ़ाई करनी नहीं है, बहाने हजारों ढूंढने हैं, भाई नोट्स मिलते हैं वो तो दिखता नहीं है, नोट्स भी दे रहे हैं सर, सर सर लिखने नहीं देते हैं, लिख लिया क्या सर? ठीक है तो चलो आगे चलते हैं, और कौन सा है B1, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पर्सन The person applies a force horizontally on the smaller block as shown in the figure. The coefficient of static friction is mu between the block and the surface. Find the force exerted by the vertical wall on mass m. What is the value of action reaction forces between m and m? Person applies force horizontally on the smaller block. The coefficient of static friction between blocks अच्छा दिया हुआ and the surface दिया हुआ। देखो हो क्या रहा है यहाँ? ये ब्लॉक हमारे पास में स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, और यहां से इसको पुश कर रहा है, ये ब्लॉक है हमारे पास में, तो पहले तो यहाँ जो मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है वो कितना होगा, म्यू एम जी होगा, और यहाँ जो मैक्सिमम हो सकता है वो म्यू कैपिटल एम इनटू जी होगा, है ना। तो आप यहाँ देखिए कि ये कह रहा है कि यहाँ फोर्स तो क्या होगा, देखो अगर अब अगर इसको स्लाइड कराना है तो कम से कम पहले इन फोर्स को ओवरकम करके जाना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है एक तरह से, अगर ये एफ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये लेस देन अगर म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम इंटू जी है, तो आप यहां देखो ध्यान से,
आप देखो कि ये जो फोर्स है ये लेकिन इतना या इससे कम है, तो यहाँ जो नॉर्मल लग रहा होगा वो नॉर्मल क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये वॉल को पुश कर ही नहीं रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतनी वैल्यू लगाते हो, अगर इससे कम है तब भी नॉर्मल है, और इतनी वैल्यू भी अगर आप फोर्स की लगाते हो तब भी क्या होगा, यानी अगर मैं कहूं कि इफ एफ इक्वल टू म्यू एम जी प्लस म्यू इंटू एम जी, अगर हमने अप्लाई किया मान लो यहाँ, तो यहाँ कितना डेवलप हो जाएगा म्यू एम जी, यहाँ भी कितना डेवलप हो जाएगा म्यू एम जी, और इतना फोर्स हमने यहाँ अप्लाई कर ही रखा है, तो आप देखो कि तब भी यहाँ नॉर्मल क्या होगा इस केस में, जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। लेकिन अगर इससे ज्यादा अप्लाई किया आपने, लेकिन अगर एफ ग्रेटर देन म्यू एम जी, इफ एफ ग्रेटर देन म्यू एम जी म्यू कैपिटल एम जी अगर लगाया, तो ये ग्राउंड था यहाँ है ना, तो यहाँ क्या होगा, इसको इधर की तरफ अगर इससे कम लगाया तो यहाँ डेवलप होगा। मान लेते हैं कि ये टू ब्लॉक है, ये वन ब्लॉक है, तो यहाँ एफ टू डेवलप होगा और यहाँ एफ वन डेवलप होगा, ठीक है। उसी तरह अगर इससे ज्यादा लगाया तो क्या होगा अभी इस केस में, इस केस में यहाँ फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक तो हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि एम जी की वैल्यू ज्यादा लगाई आपने, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा लगाई एफ की, और यहाँ म्यू कैपिटल एम जी से ज्यादा, तो यहाँ इस केस में क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, और वॉल्व को भी इधर क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। इस केस में है तो पूरा सिस्टम रेस्ट पर ही है, यहाँ क्या मिलेगा आपको, लेकिन एफ इक्वल टू मिलेगा एन प्लस म्यू एम जी प्लस म्यू कैपिटल एम इंटू जी, यानी एन की वैल्यू मिलेगी एफ माइनस म्यू, तो बाहर ले लेंगे स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू जी, ये होगा जब ये होगा, तो बस ये पूछ रहा था। क्या पूछा, टू पर्सन अप्लाई, तो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वर्टिकल वॉल ऑन मास एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्शन फोर्स बिटवीन एम एंड एन, है ना, तो ये आ जाएगा। और इस केस में देखो, अगर मैं यहाँ की भी बात करूं, जैसे अभी इसमें क्या लग रहा होगा, इस केस में इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये वन है मान लो और ये टू है, तो अगर इन दोनों के बीच की बात करूं तो एफ बी डी बनाओ यहाँ, तभी फोर्स क्या लग रहा होगा, देखो इधर एफ लग ही रहा है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक है ही, तो यहाँ जो नॉर्मल लग रहा होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं एन वन टू है, इस वाले को भी एन वन टू ही लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इसकी तरफ इसको नॉर्मल लग ही रहा है, और इधर इसको म्यू, सॉरी इधर नहीं उधर लग रहा होगा ना, तो इस केस में आप देखोगे इसका, इसी का ले लो आप, एफ बी डी इसी का बना लो, कोई का भी ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, देखो एफ इक्वल टू मिलेगा एन वन टू प्लस म्यू एम जी, ठीक है, तो ये आंसर होगा, यानी यहाँ आ जाएगा हमारे पास में एन वन टू इक्वल टू मिलेगा एफ। अच्छा, इसमें भी लेकिन केस बताने पड़ेंगे अपने को, एक मिनट रुको, ये नहीं, इसमें केस बताना पड़ेगा भाई, इसमें दो तीन केसेस में मिलेंगे अपने को, ये नहीं, इसको हटा देते हैं, क्योंकि नॉर्मल फोर्स की बात कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स वो तो इसी केस में तो आएगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन केस डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखो फॉर कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स, यानी जो एन वन टू है उसकी बात कर रहा हूं मैं, जो एन वन टू होगा उसकी बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, अगर एफ की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल इनके बीच में जीरो हो जाएगा, सारी बात सुनिए, इनके बीच में नॉर्मल क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा यहाँ, क्यों?
क्योंकि ये आपको क्या मिलेगा एफ एस जो कि लेस देन इक्वल टू क्या मिलेगा ये म्यू एम जी रहेगा, उस केस में एन वन टू की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी ना, क्योंकि अगर हम एफ की वैल्यू म्यू एम जी भी अप्लाई करेंगे तो म्यू एम जी मैक्सिमम में ये क्या करेगा उतना फ्रिक्शन फोर्स यहाँ डेवलप करेगा तो एन वन टू को जीरो कर देगा ना। सेकेंड केस इफ एफ ग्रेटर देन म्यू एम जी, हाँ तब उस केस में एन वन टू जीरो नहीं होगा। तो एन वन टू क्या होगा फिर उस केस में, एन वन टू उस केस में आ जाएगा तो यहाँ ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा म्यू एम जी, यहाँ एफ होगा ही और यहाँ जो आएगा ये एन वन टू आ जाएगा क्योंकि ब्लॉक वन लिया ना हमने, ये ब्लॉक वन है हमारे पास है ना। तो रख दो इसका तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा आपको एन वन टू प्लस म्यू एम जी, एन वन टू इस केस में मिलेगा एफ माइनस म्यू एम जी, ये आंसर होगा ठीक है ना। तो ये डिस्कस करना था अपने को। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, लिख लो इसको। तो बी वन भी हो गया, नेक्स्ट है बी टू। थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ ये ना, अच्छा यहाँ से लिखना था ना, लिखो लिखो। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। लिख लिया आराम से। स्क्रीन शेयरिंग चला गया। तो स्क्रीन चला गया। एक मिनट। अभी आया? हाँ सर। और थोड़ा नीचे कीजिए ना।
हो गया? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में B2। इन द फिगर शॉन कैलकुलेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन कह रहा है। हमने बात ही क्या था एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो कह रहा है द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। यहाँ क्या हो रहा है, ये ब्लॉक है हमारे पास में, ये 10 kg ब्लॉक है, और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है 37 degree, ये 100 newton है, तो क्या करेंगे इसको रिजोल्व करेंगे, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा 100 newton इधर है, तो एक कंपोनेंट इधर होगा 100 cos 37, और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा 100 sin 37। इसका एबीडी बनाओ, तो इधर की तरफ कितना लग रहा है इसको, 100 into cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5, तो कितना हो जाएगा 20 का 80 newton इधर है, और एक कंपोनेंट इसका तो यानी एक नीचे की तरफ है, कितना 100 into 3/5 यानी 60 newton, उसको डाउनवर्ड 10 into g लग रहा है। इसका मतलब है कि वर्टिकल में इसको यहाँ n- फोर्स लग रहा है, n- की वैल्यू क्या होगी, अच्छा साथ में या जस्ट स्लाइड की बात कर रहा है, इसका मतलब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया फ्रिक्शन, इसको मैंने FS ही ले लिया, तो यहाँ FS की वैल्यू है 80 newton, और n- इक्वल टू है 10g + 60, यानी 10g का मतलब कितना, 100 + 60 = 160 newton, ये n- हो गया। तो यहाँ देखो आप, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर होगा, तो ये जो एंगल है इसी को तुमने बोला है ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी 10 λ इक्वल टू क्या लिखोगे, FS/n-, FS की वैल्यू कितना है 80 n- की 160, कितना आ गया 1/2 आ गया, यानी लेमड़ा इक्वल टू आ गया 10 inverse 1/2। यही आंसर है, समझ में आई बात, लिख लो इसको। मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? Yes, sir. सर हो गया, लिख के हो गया ना, गुड। नेक्स्ट हमारे पास में B3, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इन फॉलोइंग टू केसेस रिक्वायर्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास m ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ये ब्लॉक है हमारे पास में, ये रफ सरफेस है, और यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू है,
तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ फोर्स इन फॉलोइंग टू कैसे रिक्वायर्ड टू पुल अ ब्लॉक ऑफ मास एम ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आल्सो फाइंड द एंगल दैट एंगल दिस फोर्स मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इफ फोर्स इज पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो पहले वाले में तो हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, पहला केस में तो जीरो बना रहा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टली तो कितना मिनिमम फोर्स लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, तो वो तो सीधा सीधा म्यू एम जी आ जाएगा ना, अगर इसका मास एम है तो. इस केस में तो एफ की जो वैल्यू है एफ, ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसको स्लाइड कराने के लिए, म्यू एम जी होगी. एक का आंसर तो यही आ गया है ना, एफ मिनिमम इक्वल टू क्या आ गया, म्यू एम जी आ गया, तो यही आंसर हो गया. और एंगल कितना बना रहा है, जीरो. इस केस में थीटा कितना हो गया, जीरो डिग्री. दूसरा केस, इफ फोर्स इज इन एनी डायरेक्शन, तो मतलब ऐसा हुआ तो ये एफ इधर है, मैंने मान लिया कि इधर लग रहा होगा थीटा इधर है, इसका कंपोनेंट क्या होगा इधर एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा है ना. इफ फोर्स इज इन एनी डायरेक्शन आल्सो फाइंड द एंगल दिस फोर्स मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल. तो हमें क्या चाहिए यहाँ, लेकिन ध्यान से पढ़ो पहले, मिनिमम फोर्स चाहिए. इसका मतलब है कि इसका अगर आप एफ बी डी बनाते हो तो इसको नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, डाउनवर्ड इसको mg लग रहा होगा, इसको ऊपर की साइड में ही f sin थीटा लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में इसको f cos थीटा लग रहा है. तो जस्ट स्लाइड कराने की बात करें तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अगर म्यू है तो म्यू इनटू n, ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचे, यानी जस्ट स्लाइड कराने का मतलब ही कि f cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, म्यू n हो जाए, और f sin थीटा प्लस n इक्वल टू क्या है यहाँ mg, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ mg माइनस f sin थीटा, तुम्हारे पास आ गया f cos थीटा इक्वल टू म्यू, और ये हो गया mg माइनस f sin थीटा, ये हो गया f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा. इस क्वांटिटी को मैं उधर ले गया हूँ लेफ्ट साइड में, और यहाँ रह जाएगा म्यू mg, यानी एफ इक्वल टू आ गया हमारे पास में म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. अब यहाँ मिनिमम चाहिए अपने को, तो मिनिमम कितना नहीं मालूम है एग्जैक्टली, तो क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में. अगर थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करूँगा मैं यहाँ, डिफ्रेंशिएशन का कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा. तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो डी एफ बाई डी थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इन डी बाई डी थीटा, और ये म्यू एम जी, म्यू एम जी तो कॉन्स्टेंट है यहाँ, माइनस म्यू एम जी डी बाई डी थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos theta plus mu sin theta का होल स्क्वायर. तो ये क्या होना चाहिए मिनिमम मैक्सिमा की बात करेंगे तो जीरो करते हैं, और फिजिक्स में दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है, वो मिनिमम ही के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है. तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो. तो जीरो माइनस म्यू एम जी, इसका क्या होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, माइनस साइन थीटा प्लस म्यू cos theta डिवाइड बाई cos theta plus mu sin theta. आप देख रहे हो कि ये तो कोई जीरो होगा नहीं, यानी सिर्फ ये क्वांटिटी जीरो होनी पड़ेगी. तो therefore minus sin theta plus mu cos theta equal to zero, यानी हमारे पास आ गया है कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हो गया sin theta equal to mu cos theta, यानी sin theta by cos theta क्या हो जाएगा tan theta ना,
साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में टेन इनवर्स म्यू, यानी थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ टेन इनवर्स म्यू होना चाहिए और अपने को एफ की मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ से, ये क्या है ये म्यू बाई वन है ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या एक तरह से म्यू बाई वन, यानी म्यू और यहाँ वन और एंगल क्या हो गया थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस ना, तो ये कितना हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर रूट, यहाँ से देखो साइन थीटा क्या लिखोगे आप, साइन थीटा लिखोगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज याद आ रहा है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा वन बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, इन दोनों की वैल्यू इसमें रख दो, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन, तो पुटिंग इन वन तो एफ मिनिमम कितना आ गया, तो आ जाएगा म्यू एम जी डिवाइड बाई साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे तो म्यू बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस म्यू, तो पहले से था नहीं कुछ गड़बड़ किया क्या उल्टा कर दिया, तो प्लस साइन थीटा की जगह तो इनटू म्यू भी तो है वहां प्लस है ना कॉस थीटा, ये है ना देखो यहाँ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, मैंने म्यू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी इनटू म्यू भी तो है, तो ये क्या मिलेगा आपको वन बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया हमारे पास में म्यू एम जी डिवाइड बाई क्या लिखोगे म्यू स्क्वायर बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस वन बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, यानी एफ मिनिमम कितना आ गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे यहाँ म्यू स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, यानी अल्टीमेटली कितना हो गया यहाँ देखो, तो ये आ जाएगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, एफ मिनिमम की वैल्यू ये होगी यहाँ, तो म्यू एम जी बाई रूट म्यू स्क्वायर प्लस वन, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, लिख लो इसको, सर थोड़ा नीचे लीजिए ना, लिख लिया ना वो तो नहीं सर लिख रहे, अभी पहले वाला लिख लो आराम से लिख लो, लिख लिया ना गुड, ये भी लिख लो,
हो गया सर। स्क्रीन चला गया ना, ये है। हो गया, लिख लिया है? हाँ सर। इस वाले पार्ट को भी लिख लो फिर आप। तो ये भैया के पुराने कॉन्सेप्ट भी सब पता रहना चाहिए, तभी आगे की चीजें क्लियर होती जाती है। अब डिफरेंशिएशन जो पढ़ा है वो सब पता होना चाहिए, वरना क्या होगा फिर भाई, दिक्कत हमेशा दिक्कत बनी रहेगी फिर आपको। नहीं तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास में C1। हो गया? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है C1। C1 में क्या कह रहा है देखो, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बॉडी है यहाँ 5 kg है ये, इसका मास जो अपने को दिया ये 5 kg का है। इट इज फाउंड दैट द बॉडी डज नॉट स्लाइड इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स लेस देन 30 N अगर अप्लाई किया तो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 N जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है, यानी जिसको हम लोग एफ मैक्स बोलते हैं, वो वैल्यू कितना है 30 N है ना, यानी एफ एस की जो वैल्यू है यहाँ वो 30 N, यानी 0 और इसके बीच में लाई करता है एफ एस। आगे कह रहा, इट इज ऑल्सो फाउंड दैट इट टेक्स 5 seconds टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 m इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 30 N इज अप्लाइड। अब 30 N अगर अप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉन्टेक्ट ब्रेक कर दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि 30 N ही अगर हमने अप्लाई किया तो इमिडिएटली कॉन्टेक्ट ब्रेक करेगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, 30 N से कम होगा तभी तो स्लाइडिंग करेगा। तो कह रहा है कि ऑल्सो इट इज फाउंड दैट इट टेक्स 5 seconds टू स्लाइड थ्रू आउट द फर्स्ट 10 m इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 30 N इज अप्लाइड एंड द बॉडी जेंटली पुश टू स्टार्ट द मोशन, पुश्ड टू स्टार्ट द मोशन टेकिंग g = 10 m/s²
calculate the coefficient of static kinetic friction between the blocks and the surface. अब ये कह रहा है कि जैसे ही हमने 30 न्यूटन अप्लाई किया, ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है, यानी इमीडिएटली काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. कहां तक स्लाइड कर रहा है? यहां तक स्लाइड कर रहा है. कहां तक? 10 मीटर तक. और कितना टाइम ले रहा है? क्योंकि टी इक्वल टू जीरो यहां है, टी इक्वल टू 5 सेकंड है. इसका मतलब हुआ कि इसका नेट एक्सलरेशन इधर की तरफ बन रहा है. तो आप क्या लिखोगे? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अच्छा, यहां से ये 30 न्यूटन है, इसका मतलब ये तो क्या मिल गया अपने को? म्यू एस एन मिल गया ना. एन डैश ले लेते हैं, तो यहाँ एन डैश क्या हो जाएगा? इसका एबीडी बना लो पहले. तो एन डैश और डाउनवर्ड क्या लग रहा अपने को यहाँ? 5 × g ना, यानी एन डैश की वैल्यू तो यहाँ 5 × g है. तो म्यू एस इंटू 5 × g यानी 50 हो गया. जी की वैल्यू कितना है यहाँ? जी की वैल्यू यहाँ लिया इसने 10 m/s² है. तो हो गया म्यू एस, यानी हमारे पास म्यू एस इक्वल टू तो आ गया 30/50, मतलब 0.6 आ गया. तो म्यू एस की वैल्यू तो 0.6 है. अब यहाँ से हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे. तो आप देख रहे हो कि कितना चल रहा है, 10 मीटर इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि इमीडिएटली वेलोसिटी तो आएगी नहीं, और इनटू ए इनटू 5² तो आप यहाँ देखो कितना हो गया है हमारे पास में. ये हो गया 20/25 = a, यानी a की वैल्यू आ गई 4/5 m/s². अब यहाँ देखो हमारे पास में तो इधर 30 न्यूटन लगी रहा है, तो नेट एक्सलेशन की बात कर रहा, मतलब क्या लिखोगे? 30 − fk × 5 × a ना, f इक्वल टू m अप्लाई किया. अब यहाँ देखो यह वैल्यू क्या आ रही, तो 5 × 4/5 = कितना आ गया? 4. तो एफ के की वैल्यू कितनी आ गई? 30 − 4 = 26. और एफ के मतलब क्या हुआ? एफ के मतलब म्यू के इंटू एन डैश ना, ये 26. एन डैश की वैल्यू यहाँ निकाली थी हमने, कितना आ रहा है? 50 g, यानी 50 आ रहा है. तो एफ के ये आ रहा है 26/50. तो हमारे पास 26 × 2 कर लो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 100, यानी आ गया 0.52. तो हमारे पास म्यू एस की वैल्यू है 0.6 और म्यू के की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.52. मेरे ख्याल से पॉइंट भी समझ में आ गया होगा. भाई समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहे हैं? हाँ सर.
लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर लिख लिया। चलिए सबने लिख लिया भाई? यस सर। अब बात करते हैं सी टू के बारे में। सी टू का क्वेश्चन नंबर वन, आप यहां देखो इस ब्लॉक को, तो ये 5 kg ब्लॉक है, ये 10 kg ब्लॉक है, ये म्यू इक्वल टू जीरो है, और यहाँ जो दिया है ये म्यू डैश इक्वल टू 0.5 है। अब आप ध्यान से देखो, ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी है, इस ब्लॉक को देखो आप, इस ब्लॉक पर हमने कितना फोर्स लगाया? 15 N लगाया। ब्लॉक ए और बी के बीच में फ्रिक्शन क्या है? यहाँ जीरो है, इसका एबीडी बनाओ, तो ए और बी के बीच में कोई फोर्स आएगा क्या? नहीं आएगा ना, आएगा क्या? अरे भाई स्मूथ सरफेस है तो आएगा क्या? और आएगा तो कितना है? म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया? जीरो आ गया ना। तो इसका मतलब हुआ कि बी पर कोई फोर्स लगाया क्या आपने? नहीं लगाया। तो बी का एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ? जीरो। और इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ? ए का एक्सेलरेशन, तो वो आ जाएगा, ए का एक्सेलरेशन कितना आ गया? तो आ जाएगा 15 इक्वल टू कितना है? 5 इंटू ए, इसका एक्सेलरेशन आ गया, यानी ए हमारे पास आ गया 3 m/s². इस केस में इसका एक्सेलरेशन क्या है? जीरो बी का, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए का, 3 m/s² है। और क्या क्या पूछ रहा देखो यहाँ, एफ ए बी कितना है? एफ ए बी कितना आएगा ए और बी के बीच में? जीरो ही तो है। और ए और एफ बी जी भी कितना है? जीरो है, क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप तो आता नहीं है। जब तक आप बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तब तक उस पर फोर्स आ ही नहीं सकता, तो कोई फोर्स होगा ही नहीं, अपने आप थोड़ी फ्रिक्शन आ जाता है। ऐसे तो जितना भी बॉडीज घर में रखी सब अपने आप चलने लगेगी, अगर हम सोचो उनके ओपन का फ्रिक्शन इतना होगा तब तो अपने आप चलने लगेगी, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो एफ बी जी क्या हो जाएगा? बी और ग्राउंड के रेस्पेक्ट, ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। अरे बात सुन में, तो पहले पार्ट का तो ये हो गया, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि क्या क्या कह रहा है भाई, फ्रिक्शन भी दिया हुआ इसने, तो ये 5 kg ब्लॉक है, ये 10, अच्छा सब 5 kg 10 kg तो है, तो इसमें तो मैं ए और बी लिखूंगा अगली बार से। इस पर फोर्स कितना लगाया हमने? 30 N। इन दोनों के बीच में कितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है? म्यू इक्वल टू यहाँ 0.5, यहाँ म्यू डैश इक्वल टू कितना है? 0.5, है ना। हमने कितना लगाया? 50। तो पहले तो एफ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.5 इंटू 5 इंटू जी ना, यानी कितनी होगी? 25 N होगा। और एफ बी जी ग्राउंड के बीच में मैक्सिमम कितना होगा? तो इन दोनों का मास ऊपर वालों का काउंट करेंगे ना हम लोग, तो म्यू डैश इंटू 15 इंटू जी ना, तो म्यू डैश कितना है? तो 0.5 इंटू 5 मतलब 15 इंटू 10 कितना हो गया? 75 N।
क्लियर है? अब आप देखो, जब तक आप बी पर 75 न्यूटन फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये मूव करेगा क्या? अगर उससे कम हुआ 75 से तो मूव करेगा, कभी मूव नहीं करेगा। यहाँ क्या होगा, इसका मतलब वापस से देखो आप, कौन मूव कर रहा है यहाँ? यहाँ जो मूव करेगा वो सिर्फ ए मूव करेगा, है ना? तो बी तो यही है, ए यहाँ इस पर कितना लगाया 30 न्यूटन, क्यों मूव करेगा ये भी? क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 25 है, तो 25 तो यहाँ डेवलप हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ म्यू के और म्यू एस दोनों इक्वल है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम है ना। क्यों? क्योंकि म्यू के और म्यू एस सेम है ना यहाँ। ये बात समझ मारी सबको? इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए है भाई, मेरी बात समझ मारी है? यस सर। बड़ी देर बाद आवाज आई यार। तो कितना हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन? 30 - 25 इक्वल टू 5 इंटू ए ना, यानी 5 इक्वल टू 5 ए, तो यानी ए ए, तो ए ए कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर इसको 25 उधर लग रहा है तो इसको 25 इधर लग रहा होगा। यहाँ फ्रिक्शन की इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 75, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा? एफ एस 25 ही डेवलप होगा, क्योंकि आपने एक तरह से इसको 25 ही तो लगाया। तो हमारे पास आप देखो तो एफ ए बी 25 न्यूटन है और एफ बी ग्राउंड है ना कितना है 25 न्यूटन है। तो ये आंसर से इसके मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, लिख लो आप। लिख लिया? यस सर। लिख लिया ना? हाँ सर। हेलो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है? अब ए और बी बनाऊंगा क्योंकि मालूम है ए का मास कितना है, बी का मास कितना है। इस पे कितना लगाया इसने 200 न्यूटन है ना, ये ए ये बी है। तो वापस से देखो आप कितना होगा यहाँ, वापस देखो 10 केजी ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा फिर से, क्योंकि यहाँ तो ये म्यू है और ये यहाँ ये म्यू डैश है, म्यू और म्यू डैश की वैल्यू 0.5 भी दे रखी है। तो यहाँ एफ ए बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास में 0.5 इंटू 5 इंटू 10 यानी 25 न्यूटन आ रहा है, और एफ बी जी मैक्स कितना आ रहा है तो वो आ रहा है 75 न्यूटन। ऊपर निकाल ही चुके, तो फिर से देखो यहाँ, तो फिर से क्या होगा, बी तो मूव नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि उस पर इधर फोर्स कितना लग रहा है, 25 न्यूटन ही लग रहा है, और इस पर कितना लग रहा है, देखो इधर 200 न्यूटन लग रहा है, और इसको फ्रिक्शन कितना लग रहा है, ए को 25 न्यूटन लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, ए, और यहाँ भी फ्रिक्शन कितना डेवलप होगा, 25 न्यूटन ही होगा, एफ एस की वैल्यू है ना। तो एफ बी तो जीरो ही है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो 200 माइनस 25 इक्वल टू 5 इनटू के, हाँ बोलो, बी में 200 लग रहा है इसमें, अच्छा सॉरी, बी में, अच्छा बी में लग रहा है, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यूज है ना। अब इसको इसको लगा रहा है 200, इसको लगा रहा है, तो मैंने आपको बताया था क्या करना है ना, क्या करना है, दोनों को साथ में चलता हूँ मानेंगे, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, ये कॉन्सेप्ट सीखा था हम लोगों ने, तो क्या करेंगे, बोथ आर मूविंग टुगेदर, अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप, ए लिखोगे, तो बोथ आर मूविंग टुगेदर, तो आप यहां देखो ध्यान से, ये तो दोनों साथ में चल ही रहे हैं, तो अब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, तभी तो स्लाइड करेगा, है तो 75 न्यूटन, और इसको हमने कितना लगाया, 200 न्यूटन, यानी नेट एक्सेलरेशन का इधर कितना लिखोगे आप, 200 माइनस 75 इक्वल टू 15 इंटू है ना दोनों का मास, ये कितना आ रहा हमारे पास, 125 इक्वल टू 15 इंटू ए, तो ए की वैल्यू कितना हो गया, 25/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ए और बी के बीच में फ्रिक्शन निकालेंगे, अगर वो वैल्यू इससे कम आती है या इतना भी आता है तो साथ में चलेंगे, और अगर इससे ज्यादा आता है तो साथ में नहीं चलेंगे, तो निकाल लेते हैं कैसे, आप देख रहे हो कि ब्लॉक ए किधर जा रहा है, तो एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए किधर जा रहा है, राइट में या लेफ्ट में, राइट में जा रहा है, तो इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में, बेटो बेटा फिर राइट में क्या लेने जाएगा, वो लेफ्ट में लगेगा, तो और आप यहां से देखो ना, किस पर फोर्स लगाया हमने, 20 किस पे लगाया, बी पे लगाया है,
मेरी आवाज आ रही क्या? यस सर वी आर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। ये बात सुन में आ गई, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? ये सुन में आ गया कि यहाँ एफएस जो है जो आ रहा है वो दरअसल 25 जो मैक्सिमम है उससे ज्यादा आ रहा है, ये बात क्लियर हो गई थी? यस सर। यहाँ तक तो क्लियर हो गया था ना आपको? ये तो इसका मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे फिर यहाँ? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 25। इसका एक्सेलरेशन मिल गया अपने को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस पर देखो क्या क्या लग रहा है, इधर पीछे 25 लग ही रहा होगा, बी पर 75 नीचे लग रहा होगा, इधर 200 लगाया तो नेट फोर्स कितना आ गया इसके ऊपर, यानी आ गया 100 इक्वल टू 10 ए बी। तो आप देख रहे हो कि ए बी इक्वल टू कितना आ गया इस पर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इस केस में क्या हो रहा, थर्ड केस में दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन की क्या होगी, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू होगी। और यहाँ म्यूकेर म्यूएस सेम है, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। लिख लो इसको, सेकंड पार्ट तो लिख लिया था आप लोगों ने, थर्ड पार्ट लिख लो। सर हाँ बोलिए। सर मैंने इस क्वेश्चन में ना वो एक्सेलरेशन इक्वेट करके किया तो उससे भी चलेगा? मतलब इक्वेट का इक्वल का है दोनों का एक्सेलरेशन? सर नहीं, मतलब पहले ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन निकाला और वो ब्लॉक बी में डाल के फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। हाँ तो क्या बिल्कुल सही, फिर वो ये वाली चीज आई होगी ना, तो सर तो कर ही सकते हो, वो तो मैं कर ही रहा हूँ ना, देखो ना दोनों का एक्सेलरेशन मैं सेम मान के कर ही रहा हूँ भाई। पहले तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट तो यही है कि पहले साथ में मो करवाएंगे, फिर चेक करेंगे कि उनके बीच में जो फ्रिक्शन है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। अगर कम आ रहा है तो साथ में चल रहा है, और अगर उसकी ज्यादा वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो अलग अलग चल रहे हैं। जैसे यहाँ देखो 125/3 25 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ऐसा हो नहीं सकता, मैक्सिमम तो 25 ही आ सकता है, इसका मतलब है कि वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो कर सकते हो वैसे भी वो तो, लेकिन यहाँ तक के लिए कर सकते हो चेक करने के लिए, उसके बाद तो फिर वो है ना अलग अलग करेंगे।
लिख लिया क्या? यस सर, हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में इसका पार्ट फोर। पार्ट फोर में वापस से वह एफ मैक्स रेप ये तो सब देख चुके हैं, वापस से सेम कॉन्सेप्ट साथ में चल रहे हैं। क्योंकि इस बार अभी कितना लगाया इसने, 90 न्यूटन लगाया, तो अभी वापस से साथ में चल रहे हैं, तो साथ में चल रहे हैं तो यहाँ फ्रिक्शन तो यहाँ तो 75 पे डेवलप हो जाएगा। ये दोनों ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो क्या लिखोगे आप यहाँ, 90 माइनस 75 है ना इक्वल टू 15 इंटू ए, यानी 25 इक्वल टू 15 ए, सॉरी 15 आएगा ना यार, क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए बी के बीच में चेक करेंगे तो एफ बी डी हमने पहले क्या माना है, मूविंग टुगेदर, तो एफ बी डी ऑफ ए, तो ये ब्लॉक किधर जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, इसका मतलब इसको आगे की तरफ एफ एस लगना चाहिए। इसका मास दे रखा 5 kg है, तो क्या लिखेंगे, एफ एस इक्वल टू 5 into a, तो 5 into 1 कितना डेवलप हो रहा है, 5 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी यहाँ, 25 थी है ना, यानी उससे तो कम है, इसका मतलब साथ में चल रहे हैं, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि एफ एस जो है वो लेस देन इक्वल टू 25 न्यूटन और जीरो के बीच में लाई कर रहा है ना, तो इट मीन्स बोथ आर मूविंग टूगेदर, ठीक है भाई। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है, 25, यानी एफ ए बी एस जो होगा वो सॉरी 5 होगा ना, 5 न्यूटन, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, यानी ए ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके थे, ये आंसर है। और ए बी ग्राउंड जो है वो तो 75 न्यूटन ही है, क्योंकि हमने 75 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई किया हुआ है, ये आंसर भी सही है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ये भी लिख लो। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं, आपके पास नोट्स भी हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। साउंड में नहीं आता है, 10 बार देखिए फिर भी साउंड में नहीं आता, पूछिए अपने आप सुन में आएगा, एफर्ट डालोगे तो सब सुन में आएगा, और मेहनत ही नहीं करोगे तो बेटा फिर तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 1.5 साल की बात और है, उसके बाद आप अपने रास्ते हम हमारे रास्ते, और इन 1.5 सालों को अच्छे से यूज़ कर लो, ज़िंदगी बन जाएगी। और टाइम पास नहीं करना है तो टाइम पास तो पूरी ज़िंदगी पड़ी टाइम पास ही करते रहो, क्या है, अगर टाइम पास करने से कुछ मिल जाए तो करते रहो भाई, ज़िंदगी भर करते रहो। ओके, आगे चलते हैं, पार्ट टू पे चलते हैं भाई, पार्ट वन तो हो गया, पार्ट टू का क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया आप लोगों ने? यस सर, लिख लिया।
क्वेश्चन नंबर वन ए वन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइस डाउन 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. Pick the coefficient of friction between the body and the inclined plane is. देखो ऐसा दिया हुआ है, ये inclined plane है, ये angle 45 degree है. Starting from rest, a body slides down a 45 degree inclined plane in twice the time. मतलब ये हुआ कि मान लो अभी कोई friction नहीं है, पहला केस लेता हूं मैं कि म्यू जो है वो जीरो है, तो आपको ये मालूम है डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा होगा, इसका मास अगर एम है तो एम जी, एम जी का एक कंपोनेंट क्या होगा एम जी साइन 45, और इधर क्या मिलेगा एम जी कॉस 45, ये तो मालूम है भाई सबको. और नॉर्मल इस केस में फ्रिक्शन तो है नहीं, तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी कॉस 45 के इक्वल तो होगा, वो तो हमेशा होगा फ्रिक्शन हो या नो, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ जीरो होगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हो सिर्फ एम ए, यानी ए इक्वल टू क्या मिल गया आपको जी साइन 45, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो कह रहा है, तो मान लो ये डी डिस्टेंस चलता है, इसको टाइम कितना लग रहा है मान लो टी लग रहा है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्यों लगा है क्योंकि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, तो डी इक्वल टू जीरो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, जी साइन 45 इंटू टी स्क्वायर, यानी टी इक्वल टू मिलेगा 2g बाई जी साइन 45 डिग्री, इसका स्क्वायर रूट, ये इस केस में आ गया. अब केस टू, केस वन में तो ऐसा हो रहा है, केस टू में क्या कह रहा है फ्रिक्शन भी आ गया, सेम डिस्टेंस चलना है, टाइम डबल लगेगा बस, क्या करेंगे यहाँ सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस फ्रिक्शन और काउंट कर लेंगे, इधर की तरफ क्या लग रहा है एम जी साइन 45, इधर क्या लग रहा है एम जी कॉस 45, इधर क्या लग रहा है नॉर्मल, और पीछे क्या लग रहा है क्योंकि स्लाइड करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि कितना होगा म्यू के इंटू एन होगा, इसको म्यू ही रहने देते हैं, म्यू इंटू एन एफ के, तो एन की वैल्यू क्या है यहाँ, ये वैल्यू है एफ के की वैल्यू क्या होगी म्यू एम जी कॉस 45, इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ मान लेते हैं ए है, तो क्या लिखोगे आप एम जी साइन 45 माइनस म्यू एम जी कॉस 45 इक्वल टू एम ए लिखोगे आप, यहाँ देखो एम से तो एम कट जाएगा, जी साइन 45 को चाहो तो बाहर ले लो, क्यों काम है क्योंकि दोनों इक्वली तो हैं, 1 माइनस म्यू इक्वल टू ए, क्योंकि आपको मालूम है साइन 45 कॉस 45 ए की बात है, ये आ गया. वापस इक्वेशन लगाओ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो ही है, एस कितना है डी है, तो हाफ जी 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 साइन 45 वन माइनस म्यू, टाइम कितना लग रहा है यहाँ टू टी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ टी लग रहा है या टी नॉट ले लो, तो फिर यहाँ कितना लग रहा है टू टी नॉट लग रहा है, रख दो वैल्यू यहाँ, तो डी की वैल्यू वहां से निकाल के रख देंगे, इक्वेशन नंबर क्या है, या तो डी की वैल्यू रख दो ज्यादा अच्छा है ना, तो ये हमारे पास ये यानी इक्वेशन नंबर वन से रख दो, तो फ्रॉम वन एंड टू, तो फ्रॉम वन एंड टू कितना हो जाएगा हाफ जी साइन 45 डिग्री टी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ जी साइन 45 वन माइनस म्यू, कितना हो गया 4 टी नॉट का होल स्क्वायर, यहाँ देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना आ गया 1 बाई 4 इक्वल टू 1 माइनस म्यू, यानी म्यू इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1 बाई 4 3 बाई 4, लिख लो इसको,
लिख लिया लिख लिया क्या? लिख लिया सर। ये भी लिख लो। हो गया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में B3। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन अ ट्रक। The coefficient of static friction between the block and surface is 0.6. If the acceleration of the block is this, the frictional force acting on the block. अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ट्रक है, मान लो ये इधर a इक्वल टू 5 m/s² से जा रहा है और यहाँ ये ब्लॉक रखा हुआ है। तो यहाँ जो ब्लॉक इसने दिया अपने को ऑफिस, उस ब्लॉक का यहाँ जो म्यू एस दिया इसने वो 0.6 दिया हुआ है। इस ब्लॉक का मास 1 kg दिया हुआ है ना, और क्या कह रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक पूछ रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना इस पर लग रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, या जो जिसको हम लोग लिमिटिंग
फ्रिक्शन बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या, तो वो वैल्यू क्या होगी, म्यू एस एन टू एन होगा कि नहीं होगा, या एन डैश होगा। इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, उसको वर्टिकल में क्या लग रहा है, एन डैश लगेगा, डाउनवर्ड क्या लगेगा, वन इन टू जी लगेगा, यानी एन डैश इक्वल टू क्या हो गया, वन इन टू जी यानी 10 न्यूटन लगेगा। और म्यू एस की वैल्यू क्या है यहाँ, 0.6 इन टू क्या हो जाएगा 10, तो कितना आ रहा, 6 न्यूटन आ रहा है। ये एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू है ना, अगर इससे कम हुआ या इतना भी हुआ तो स्लाइड नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं, तो इसके साथ मैंने मान लिया कि साथ में चल रहा है, क्या मान लिया मैंने कि ब्लॉक इज मूविंग विद द ट्रक। अगर ऐसा है तो आप देखोगे कि ट्रक के साथ चल रहा मतलब क्या हुआ कि इसको आगे की तरफ एफ एस लगना चाहिए, क्योंकि ट्रक का एक्सेलरेशन है ना इधर की तरफ, तो ट्रक की जाने की टेंडेंसी इधर है, तो ट्रक को पीछे लगेगा तो ब्लॉक को किधर लगेगा, आगे, तभी तो उसके साथ जा रहा है। तो अब ये कितने से जा रहा है फिर, ये भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, इसका मास दे रखा है 1 kg है। तो आप देख लो एफ एस इक्वल टू क्या आ रहा है, एम ए लिखोगे, 1 × 5 कितना आ रहा है, 5 न्यूटन आ रहा है, जो कि किससे कम है, 6 न्यूटन से तो कमी है, इसका मतलब साथ में जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है कि एफ एस लेस देन इक्वल टू क्या होता है, एफ मैक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साथ में है, इसका मतलब आंसर क्या है यहाँ, 5 न्यूटन ही हो गया ना। समझ में आ गई बात, लिख लो तो इसको। नेक्स्ट हमारे पास में C2। लिख लिया, नहीं सर लिख रहे हैं, एक बार एक्सरसाइज 1 पार्ट का सर, इसी पार्ट का B2 भी बताइए ना। B2 यस सर, लिख लिया नहीं,
लिख लिया क्या? हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में बी टू। अ बॉक्स ए इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन रनिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल रेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये ब्लॉक यहां रखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट मतलब इधर रन कर रही है। रनिंग हॉरिजॉन्टल रेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट टाइम टी इट डिसलरेट्स, यानी इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है। देन द रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स आर बाय द फ्लोर ऑन द बॉक्स। तो देखो यहाँ तो क्या करेंगे, अगर ये रखा वाइज के रेस्पेक्ट में तो इसी के रेस्पेक्ट में चले जाओ। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर ट्रेन जाते हो तो ट्रेन को क्या करते हैं, रोक देते हैं। ट्रेन को अगर आपने रोक दिया तो ब्लॉक पर शुड ऑफ फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट या राइट? ब्लॉक पे शुड ऑफ फोर्स किधर लगेगा भाई, ट्रेन का डिस एक्सेलरेशन लेफ्ट में है, इस पर शुड ऑफ फोर्स किधर लगेगा, राइट में सर। राइट में लगेगा, राइट में सर। हाँ किधर लगेगा, राइट में लगेगा। कितना लगेगा, इसका मास इनटू ट्रेन का एक्सेलरेशन, ये शुड ऑफ फोर्स होगा। तो ये अगर रुका हुआ है तो इसको फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, क्योंकि बैलेंस करना चाहिए, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। नॉर्मल किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। डाउनवर्ड किधर डाउनवर्ड क्या लगेगा, एम जी लगेगा। कॉन्टेक्ट फोर्स की बात कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन द रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स। रिजल्टेंट कॉन्टेक्ट फोर्स क्या बताया था, नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वही बताया था। किधर है, इधर की तरफ है। आंसर कौन सा हुआ, आंसर हुआ सी। समझ में आया? यस सर। यस सर। ऐसे करना था। हाँ। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और क्या जो करने, आप लिखो जल्दी से। और पहले फिगर तो बनाना सीखो, फिगर तो बना ही नहीं पाते हम लोग, हवा में पहले क्वेश्चन करते हैं, हवा में जादूगर बन जाते हैं। क्यों, मतलब जादू, मतलब हवा में होना चाहिए सर क्वेश्चन, है ना, हवा में होना चाहिए। बेटा पहले कॉपी पेन पे लिखना अच्छे से समझो, है ना, फिगर बनाओ, थोड़ा विजुलाइज करो। आप जितना इधर उधर की चीजें विजुलाइज करते हो, थोड़ा पढ़ाई में भी विजुलाइजेशन स्टार्ट कर दो, उसमें क्या है, इमेजिनेशन थोड़ा बढ़ाओ अपना, और क्या, सोचोगे तो अपने आप हो जाएगा। आप सोचते नहीं हो उस दिशा में, तो कौन करे, कौन माता पच्ची करे। थोड़ा प्रैक्टिकल भी सोचा करिए चीजों को, ट्रेन में आप बैठते हो, जो भी आपने ट्रेन में कभी फील किया हो, शुड ऑफ फोर्स ट्रेन में मालूम है आपने कई बार फील किया, ट्रेन जब एक्सेलरेट करती है तो आपको किसी, आपको क्या लगता है, जैसे कोई पीछे खींच रहा है, तो दरअसल वो इमेजिनरी फोर्स होता है जो आपको पीछे खींच रहा होता है। आपने देखा होगा कि जब ब्रेक लगते हैं तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो, तो ब्रेक लगाने का मतलब ट्रेन का एक्सेलरेशन पीछे, तो आपको शुड ऑफ फोर्स किधर लग रहा, आगे, तभी तो आप आगे झुक जाते हो। ये कभी हमने महसूस किया, कई बार महसूस किया है, पर जब आता है फिजिक्स में तो वो सब नहीं दिखता है। नहीं सर, वो सब नहीं दिखता है, फिजिक्स में थोड़ी दिखता है। फिजिक्स में न्यूटन ने जो भी बताया, वो दरअसल उसने जो भी उसने एक्सपीरियंस किया वही उसने एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा बताना है, सेतु। चलो सेतु की बात करते हैं। चलिए यहाँ दो ब्लॉक अपने को दिए हुए हैं, एक एक करके कहानी बनाते हैं। ये बी है, ये ए है, हमने यहाँ फोर्स एफ लगाया है,
यहाँ अपने को म्यू एस इक्वल टू म्यू के इक्वल टू म्यू है, लेकिन यहाँ इसने म्यू एस जो है वो म्यू के से ज्यादा दिया है, कोई बात नहीं, अब ध्यान से समझते हैं। तो ये कह रहा है कि हमें टी और एफ जो लगा रहा है, एफ क्या है, दरअसल एफ इक्वल टू टी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोर्स एफ इक्वल टू टी इज अप्लाइड टू ब्लॉक ए शोन इन द फिगर, द फोर्स इज अप्लाइड एट टी इक्वल टू 0 seconds when the system was at rest and string is just straight without tension, which of the following graphs gives the friction force between b and horizontal surface as a function of time t? to yahan dekho sabse pehle pehla case, agar f less than equal to mu mg hai jo ki dono equally hai, तो टेंशन फोर्स क्या होगा, जीरो। टेंशन फोर्स जीरो का मतलब है एफ बी फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ग्राफ कैसा होगा, ये टी ए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, और ये एफ बी है, तो यहां से यहां तक तो कोई फ्रिक्शन होगा ही नहीं, कोई फ्रिक्शन मतलब है ना, होगा ही नहीं यहां तक, कहां तक, तो यहां देखो एफ की वैल्यू टी रखो, यानी टी लेस देन म्यू एम जी आ रहा है, इसका मतलब है ये टी इक्वल टू टी नॉट इक्वल टू म्यू एम जी तक कोई फ्रिक्शन नहीं डेवलप होगा। लेकिन सेकेंड केस, अगर एफ ग्रेटर देन म्यू एम जी है ना, एफ ग्रेटर देन म्यू एम जी है, एक मिनट इसको पूरा बताता हूं मैं आपको, मतलब ये होना चाहिए एफ ग्रेटर देन म्यू एम जी लेकिन लेस देन इक्वल टू म्यू एस, उसका भी मास सेम है, तो एम जी प्लस म्यू एम जी, ये क्योंकि ये भी तो काउंट करोगे ना, इसका भी तो आने लगेगा फिर, अगर म्यू एम जी से ज्यादा है लेकिन अगर इससे कम है तो क्या होगा, कंटिन्यूसली टाइम के साथ ये ऐसे बढ़ता जाएगा, और उसके बाद ये जैसे ही म्यू एस मतलब जैसे एफ की वैल्यू म्यू एस एम जी प्लस म्यू एम जी हुआ, ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, म्यू एस एम जी प्लस म्यू एम जी, योगिर उसके बाद ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ, ये वाली कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली तो ये बता दिया मैंने आपको, ये वाली वैल्यू होगी म्यू के एम जी, चल रही नहीं, नहीं क्या हो गया, गलत इसमें ये नहीं होगा, ये होगा दरअसल, आगे बात सुन में क्या होगा, ये और ये म्यू के एम जी हो जाएगा, उसके बाद तो एफ बढ़ाते जाओ टाइम के साथ बढ़ता जाएगा ना, गलत सॉरी टाइम के साथ क्या होगा, हाँ एफ की वैल्यू क्या होगी टाइम के साथ, ये ऐसे क्या होगा, फिक्स हो गया ना ये तो, और टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब इसके लिए ये मैं जो बात करने जा रहा हूँ ये बात है यहाँ से और यहाँ तक के लिए, ये कौन सा टाइम होगा, ये टाइम होगा म्यू एस एम जी म्यू एम जी तक का टाइम है, यानी यहाँ तक क्या होगा, इसका मतलब इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ क्या लग रहा होगा, एफ बी है ना, और यहाँ क्या लग रहा होगा, इसको यहाँ लग रहा होगा म्यू एम जी, और इधर एफ इक्वल टू क्या है यहाँ टी, तो स्लाइड तो कर ही नहीं रहा है, तो एफ इक्वल टू क्या लिखोगे, एफ बी प्लस म्यू एम जी, और ये इक्वल टू क्या होगा टी, यानी एफ बी इक्वल टू मिलेगा टी माइनस म्यू एम जी, वो ये वाला ग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए ये होगा, और उसके बाद तो एफ बी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, तो थर्ड केस में क्या हो जाएगा, अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल नहीं, ग्रेटर देन म्यू एस एम जी प्लस म्यू एम जी है, तो फिर यहाँ इस पर एफ बी की जगह क्या हो जाएगा, ये एफ के आ जाएगा,
यानी म्यू के एम जी जो कि फिक्स हो गया ना, ये वो ग्राफ है इसके बाद। मेरे ख्याल से कहानी सुन आ गई होगी मैंने क्या कहा, ठीक है ना, ऐसा है क्योंकि उसके बाद तो इस पे कैंडी फिक्शन आ जाएगा ना स्लाइड करने का, जब इससे ज्यादा आप फोर्स लगा दोगे। क्लियर है भाई सबको? अरे भाई क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर। लिख लो तो इसको, बाकी का नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं आपको। सीट हो गया ना पार्ट थ्री और एक्सरसाइज थ्री, ये साथ में करेंगे हम लोग। सर एक्सरसाइज टू भी करना है? और एक्सरसाइज टू कर लो, वो डिस्कस कर लूंगा बाद में मैं, कर लो ठीक है, पार्ट वन कर लो इसका। और डीपीपी कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। एक्सरसाइज टू का पार्ट वन कर लो और डीपीपी करते जाओ। डीपीपी कहाँ तक डिस्कस करनी है हम लोगों ने? अभी दो ही डीपीपी डिस्कस हुई ना बुकलेट टू के, तो यस सर। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वर्क पावर एनर्जी। सर हाँ बोलो। सर मैंने व्हाट्सएप में क्वेश्चन डाला था सर, वो सर बता सकते हो? कौन सा क्वेश्चन? सर मैं वापस भेजता हूँ सर। एक मिनट, व्हाट्सएप पे किस पे? ग्रुप पे डाला था क्या? ग्रुप पे डाला करो यार, ग्रुप पे ज्यादा अच्छा है, बाकी लोग भी तो करेंगे तो अच्छा रहेगा ना। हमेशा ग्रुप पे डाला करो, ग्रुप इसलिए तो बनाया, और किस लिए बनाया हमने? सर ग्रुप में डाला है सर। अच्छा ये बता देते, मैं आपको हिंट देता हूं, आप करेगा। देखो इस ब्लॉक ए को देखो, आप ब्लॉक ए पर कौन कौन से फोर्स दिख रहे हैं आपको? अरे भाई एक टेंशन दिख रहा है ऊपर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, डाउनवर्ड एमजी दिख रहा है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स दिख रहा है क्या? नहीं है। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं तो इसका हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, जो भी एक्सेलरेशन है वर्टिकल है, और वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 4 बी क्या आंसर है, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दिया? हाँ सर वही है। समझा क्यों लिखा मैंने अभी है? क्योंकि ए समेशन ए वेक्टर डॉट टी वेक्टर इक्वल टू, या समेशन टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 लगाओ, बीच में फ्री बॉडी डायग्राम बना के वो लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। अब ट्राई करेगा इसको वापस से। तो हमेशा न्यूटन के लॉस को साथ में रखो कि बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है? अगर इनिशियल में रेस्ट पर है तो, वरना जाएगी उस डायरेक्शन में जिधर वेलोसिटी है। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से मतलब अप्रैल से, लेकिन वो हमारा बचपन ही है, ध्यान रखिएगा। सर लेकिन हम थोड़े टाइम के बाद उसका डायग्राम बनाएंगे तो y कंपोनेंट भी आएगा ना। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा ये मालूम है? इंक्लाइंड हो जाएगा है। ये मालूम है, थोड़ा वर्टिकल के साथ में कुछ एंगल बना रहा होगा है। क्यों? क्योंकि आगे जाना चाहेगा ना, तो अभी तो वेलोसिटी जीरो है, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो बी है ना, बी की वजह से एक तरह से क्या लगेगा उसको, शूडो फोर्स लग रहा होगा। नहीं चलो शूडो फोर्स छोड़ो आप तो, लेकिन आगे भी तो एक्सेलरेट करेगा ना हॉरिजॉन्टल में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ तिरछा हो जाएगा है। कुछ टाइम बाद की बात करेंगे तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, तिरछा होके चलेगा है। क्यों? क्योंकि जो तिरछा होते क्या होगा, टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा,
उस टाइम बात तो ऐसा होगा फिर, ठीक है? तो ऐसा क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिल जाएगा आगे चल के। ओके सर, ठीक है, चलो सर। तो एक्सेलरेशन बस वो मोमेंट के लिए होता है। हाँ, ये उस मोमेंट के लिए दिया उसने। तो अपने से जो पूछ रहा है ना, उसी मोमेंट पर पूछ रहा है कि उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके सर, अभी समझा। ठीक है, और एक्साइड टू कर लो, एक्साइड टू का पार्ट वन भी कर लो आप लोग, और डीपीपी करते जाओ। तो संडे को क्लास रखेंगे आप लोगों की, क्योंकि वो क्लास एक मिस हो गई ना, तो आपको सैटरडे कल मिल जाएगा, मतलब टाइम टेबल। ओके ओके सर, चलिए फिर। ओके बाय बाय, और मेहनत करो यार, दिल लगा के मेहनत करो बस, कोई बहानाबाजी मत करो, मेहनत करोगे पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएगा भाई, आईआईटी पहुंच जाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए फिर, ओके बाय बाय। ऐसे कर रहे हैं काफी बच्चे, अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरा काम है डांटना बोलना, मैं चाहूंगा कि और अच्छा परफॉर्म करें, इससे और बात नहीं बनने वाली, इससे भी ज्यादा अच्छा मेहनत करो और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करो, मेरा मानना ये है। ठीक है, चलो फिर, ओके।